तो कैसे हो भाई लोग, मुझे यकीन है आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो मून नाइट के एपिसोड 5 से है, जिसका टाइटल है एस्लियम। मैं इसका आपको मतलब बताने वाला हूँ और स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ फोर्थ पार्ट में वो एस्लियम को देख लेते हैं, एक हिप्पो जो कि देवी होती है एक हिसाब से। जब आदमी मर जाता है और उसको स्वर्ग या नर्क जाना है, उसके बीच की जो जर्नी करवाती है वो एस्लियम करवाती है, जो कि एक इजिप्शियन वर्ड है। जो इजिप्शियन चीज देखने के लिए मिली हमें मून नाइट में, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और एस्लियम का मतलब है रियलिटी इज डेथ, मतलब जो मृत्यु है वो ही असलियत है। और ये एक इजिप्शियन वर्ड है जो कि रैलम है ऑफ डेथ, विच इज अ माइथोलॉजी ऑफ ओसीरियस, समझ रहे हो। तो ये एक बोट है जहाँ पे उनको जर्नी पूरी करनी पड़ती है अपनी मौत की, और एक तराजू होता है मौत का जहाँ पे उनका दिल और पंख से वो बैलेंस करते हैं। और ये मुझे काफी अच्छा लगा, एक नई स्टोरी लाइन देखने के लिए मिली मार्वल स्टूडियो की तरफ से। और इस जर्नी के बीच में काफी कुछ समझने के लिए देखने के लिए मिलता है कि जो स्टीवन ग्रांट है वो मार्क स्पेंसर की कल्पना है। तो ये एक नया मोड़ देखने के लिए मिला, नई चीजें पता लगी इस 5th एपिसोड में। इसलिए मैंने उन 3 और आप कह सकते हो 4 एपिसोड के मैंने बनाए नहीं, क्योंकि तो जो मेन चीज है वो 5th एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि ओरिजिन है मून नाइट का, जब मार्क स्पेंसर कई लोगों को मार देता है, होंसू के टेंपल में चला जाता है जहाँ पे वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है, मतलब इस चीज का वादा करता है कि वो होंसू के हर एक दुख सुख में साथ देगा। वो चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। और आखिरी में जो तराजू है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। वो इसलिए बैलेंस हो पाता है क्योंकि जो मार्क स्पेंसर है उसकी कल्पना मर जाती है रेत में, जहाँ पे वो गिर जाता है बोट से। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जो 6th एपिसोड है वो क्या लेकर आएगा अपने साथ। तो मैं इन सबका आपको एक निचोड़ देने वाला हूँ, पहले 6th एपिसोड देख के उसके बाद उनको एनालाइज करूंगा और हर एक एपिसोड में हमें क्या देखने के लिए मिला है, तो इन सब का मैं आपको निचोड़ देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना।